ट्री की लुक्स नहीं है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है वो तो ऑलरेडी इस चीज में है। इसमें बीआरटी के डिजाइन का और बीआरटी के वर्कर्स का क्या कसूर है? एक चीज वहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ हम अभी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये तो एक बहुत छोटा पाइप है, इससे बड़े बड़े पाइप हमने रिप्लेस कर दिए और रिप्लेस कर रहे हैं, और इससे किसी प्रोजेक्ट में नहीं, बाकी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग एज एडवान एक्टिविटी। यही तो मुश्किल जो एक्टिविटी है प्रोजेक्ट का, एक सिटी से गुजरने का, इस किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ता है। तो जाहिर बात है ये मैं तो हैरान हूँ कि इतने छोटे मसले को इतना क्यों उछाला गया। वो इतना छोटा मसला है कि इतना बड़ा लाइन है, अभी भी उसके नीचे लोग गुजर सकते हैं, लेकिन हम ये इसमें नहीं छोड़ते, इसको ऊपर उठाते हैं, ये इसका जो गियर हेड रूम है उसी के मुताबिक शिफ्ट करेंगे, और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि दो हफ्ते के अंदर अंदर ये उठ चुका होगा। अच्छा सर, इस इशू से हमें प्रोवाइडर है ना, उनके आपस का मामला है, उनके भी मैं अगर एग्जिट चीज पर जाऊँगा तो मैं अभी कल मैंने अपने स्टाफ को बता दिया कि इसको डिग आउट करें, ये जो लाइन लगा है ये अथराइज भी है या नहीं, मतलब इसका ये है कि जो भी यूटिलिटी सर्विस रोड की उम्मीद में लगते हैं उनकी प्रॉपर्टी मुझी है या अथॉरिटी से भी चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो लाइन उन्होंने किया है ये किसी ने इसकी मुसी की दी है या किसी बच्चे ने इसकी मुसी दी है या नहीं दी है, अगर दी है तो फिर उनका लाइन अथराइज है, हम उनको पेमेंट करेंगे, अगर नहीं दी है तो फिर उनका तो लाइन ही अथराइज है। That can be considered as an encroachment upon our highway under the Encroachment Act. Section 8 of the Encroachment Act says that any line, any pipe, any cable that is laid on a road in the jurisdiction of the road, in the right of way of the road, that will be considered as encroachment if it is laid without the authority of the highway authority. So,